तरीके से आप सब लोग स्वागत है भाई सभी का हमारे चैनल पे। तो भाई WCC3 का ब्रांड न्यू अपडेट रिलीज हो चुका है और हमें देखने को मिले हैं कुछ नए नए कट सीन्स, IPL 2021 का NPL में नया का नया एडिशन और एक नया टूर्नामेंट भी ऐड हुआ है जिसका नाम है वर्ल्ड टेस्ट कप। तो भाई अपन इस वीडियो में जानने वाले नए फीचर्स और नए डिटेल्स के बारे में जो इस रियलिस्टिक अपडेट में डाले गए हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा गेम के अंदर। तो भाई जैसे ही गेम के अंदर आते हैं तो भाई होम स्क्रीन पे कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कोई भी नया फीचर होम स्क्रीन पे नहीं डाला गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई एक नया टूर्नामेंट ऐड हुआ है तो उसके ऊपर चलते हैं सीधा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट कप ऐड हो चुका है। तो आप सबसे पहले यही देख लेते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट कप आपको फ्री में खेलने को मिलेगा या फिर इसके लिए आपको प्लेटिनम कॉइन्स या फिर रियल मनी चार्ज किया जाएगा। तो भाई इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा राहत वाली खबर यही है कि आपको वर्ल्ड टेस्ट कप एकदम फ्रीली आप इसको खेल सकते हैं। अपनी टीम सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली इसके अंदर गोल्ड कॉइन्स की एंट्री फीस दे सकते हैं और ओवर्स अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए भाई पर डे आपको कितने ओवर्स चाहिए। और इसके बाद अपनी टीम सेलेक्ट करने के बाद आपकी टीम की सारी टीमों के साथ एक एक सीरीज करवाई जाएगी। सीरीज करवाने के बाद आप पॉइंट्स टेबल में देख सकते हैं, अगर आप टॉप टू में रहे तो आपके साथ फाइनल हो जाएगा और इसी तरह से आप वर्ल्ड टेस्ट कप को जीत सकते हो। असल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कही जाती है। और अब बात करें NPL की तो NPL भी अपडेट हो चुका है। जो नया का नया रोस्टर था वो पूरा आ चुका है। IPL 2021 के हिसाब से जो भी नए प्लेयर्स नई नई फ्रेंचाइजी में गए थे वो सारे अपने को WCC3 में देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ इस अपडेट में जो नेशनल प्रीमियर लीग का जो मेन लॉस अपने को NPL में देखने को मिलेगा वो ये है कि भाई आपको इसको वापस से अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आपके पास NPL अनलॉक थी, आपने मैच खेल भी रखे थे, कुछ पूरा भी कर लिया था सीजन, फिर भी अगर आपको ये अपडेट अगर आपने कर लिया WCC3 में तो आपको वापस से उसको अनलॉक करना पड़ेगा। हालांकि थोड़ी रात WCC3 वालों ने ये दी है कि भाई NPL की जो कॉस्ट थी अनलॉक करने की उसमें थोड़ा ऑफ चल रहा है, अभी 50% चल रहा है, थोड़े दिन पहले 84% चल रहा था, तो उसके अंदर आप आराम से NPL को खरीद सकते हैं वापस से। और अब बात करें नए नए कट सीन्स के जो इस अपडेट में अपने को देखने को मिलेंगे वो ये है कि भाई पहले तो बहुत ही सिंपल तरीके से टॉस होती थी, लेकिन इस बार टॉस होने पे एक नया कैमरामैन अपने को नया एनिमेशन के तौर पे देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर NPL में अगर आप किसी भी टीम को लेके विनर बनते हो NPL के, तो पहले तो एक सिंपली आपको ट्रॉफी दी जाती थी, लेकिन अब आप विक्ट्री पोडियम पर अपनी ट्रॉफी का सेलिब्रेशन कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आप 6 या 4 मारोगे या विकेट लेओगे या फिर कोई भी खुशी का मौका आएगा तो आपको कमेंट्री बॉक्स दिखाया जाएगा। और साथ ही जो सबसे ज़्यादा डिटेलिंग वाला फीचर अपने को इस अपडेट में दिया गया है, जो ऑडियंस वाला फीचर है, जो थोड़े थोड़े टाइम में अपने को मैच के बीच बीच में दिखाया जाएगा तालियां बजाते हुए, वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगने वाला है क्योंकि इसके अंदर की डिटेलिंग है ऑडियंस को दिखाया गया है। हालांकि बहुत ही कम ऑडियंस को दिखाया गया, लेकिन जितनी को भी दिखाया गया बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक फीचर है। इसी के साथ और भी बहुत सारे एनिमेशन ऐड किए गए हैं, जैसे कि विक्ट्री सेलिब्रेशन, विकेट सेलिब्रेशन भी अपने को नया ऐड किया है। अगर आप सेंचुरी बनाते हो, 50 मारते हो, उसका सेलिब्रेशन भी नया ऐड किया गया। और डगआउट में जितने भी प्लेयर्स बैठे रहते हैं अगर आप सेंचुरी मारते हो वो आपको अपलोड करते हैं, खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, वो भी एनिमेशन नया ऐड किया गया इस अपडेट के अंदर। और इन्हीं सभी फीचर्स के साथ आपको थर्ड एम्पायर का भी नया एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो भाई ये था WCC3 का एक बिल्कुल नया और एकदम रियलिस्टिक अपडेट। थोड़ा टाइम लिया लेकिन नया लाए, फ्रेश लाए और कमाल का लाए। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, तो सीधा आप हमें इंस्टाग्राम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो यार लाइक करके हमें जरूर बताइए। चैनल पे नए हो, नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दीजिए मेरे भाई।